हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बिरयानी या एक पुलाव की रेसिपी, जिसे आज हम कुकर में झटपट से बनाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रेशर कुकर ले लें, उसमें डालें तेल। तो यहाँ पे मैं 2 अंडे की बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ और ये टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सुबह सुबह बहुत जल्दी और बहुत ही झटपट इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अब तेल में डालेंगे हम गरम मसाला, साथ में है गरम मसाले में है ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग और एक बड़ी इलायची। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटे हुए प्याज और इन सबको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये बिरयानी आप सफ़र के लिए, बच्चों को टिफ़िन के लिए या ऐसे ही खाने के लिए आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब हम साथ में डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इन्हें डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम ब्राउन ही करेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक टमाटर बहुत अच्छे से गल ना जाए और मसाला अच्छे से भुन ना जाए। तो 1 मिनट के बाद देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और तेल भी इसके ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल। मैंने इसे वॉश करके 1 कप चावल ले लिया है। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। मैं डेली खाने वाला चावल यूज़ कर रही हूँ, इससे भी बिरयानी बहुत अच्छा बनता है। बस इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप चावल में मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है। आप थोड़ा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो बस पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए एग, जो हमने फ्राई किया था वो डाल दें। और डालने के बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आप इस टाइम पे नमक इसका टेस्ट कर सकते हैं। कम नमक हो तो आप इसमें इस टाइम पे नमक ऐड कर लें। अब प्रेशर कुकर को लीड को लगा देंगे और 1 प्रेशर आने के बाद हम गैस को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कर देंगे। और बस 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर सारा निकल चुका है। ये देखिए, ज़बरदस्त, इजी और झटपट से बनने वाली एक बिरयानी या एक पुलाव, जिसे भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। आप कभी भी किसी टाइम भी आपको भूख लगे तो आप इसे बना सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही यम्मी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।